हाँ फ्रेंड नमस्कार। हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखा रिलेशन, आज हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है तो हमने बताया था तीन सेट से क्या निकला, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकला, रिलेशन। आपने पढ़ा था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन मिला, रिलेशन से क्या मिलेगा आपको, फंक्शन। तो लिखिएगा कि ए रिलेशन इन विच इवरी एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली ओनली वन इमेज इन कोडोमेन दैट रिलेशन इज नोन एज ए फंक्शन। हाँ देखिए क्या बताया, इसके पहले हमने पढ़ाया है आपको रिलेशन, एक सेट यह है, दूसरा सेट जो है आपका यहाँ बी। तो यहाँ देखिए इसकी ये एलिमेंट, एक बात पढ़ा है कि सेट ए का ईच एलिमेंट, इसका सभी एलिमेंट जो है रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं, यदि इसमें कोई एलिमेंट बच जाता है तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं कहा जाएगा, यह भी शर्त है। हाँ इसमें बच सकता है लेकिन एक इवरी एलिमेंट जो है रिलेटेड होना चाहिए, और कैसे रिलेटेड होना चाहिए, सेट बी के ओनली वन इमेज से, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे आपका एलिमेंट यहाँ वन है, टू है, थ्री है, फोर है, यहाँ एक एलिमेंट मान लीजिए आपका वन है, फोर है, यहाँ नाइन है, यहाँ 16 है, यहाँ मान लिया 25 ऐसे है, तो वन का वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू फोर, थ्री रिलेटेड टू नाइन, और फोर रिलेटेड टू 16। तो ऐसा जो रिलेशन है, देखिए सेट ए का जिसको कि डोमेन बोलते हैं, लिखा है आपने भी डिफिनेशन में कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का जो ईच एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है रिलेटेड टू इवरी एलिमेंट ऑफ बी एज यूनिक्यूली होना चाहिए। जैसे वन का देखिए एक इमेज है, एलिमेंट टू का फोर है, थ्री का नाइन है, फोर का 16 है, और यदि ऐसा कह दिया जाए कि वन रिलेटेड टू फोर, ऐसे लिख दिया जाए, अब सेट जो एलिमेंट ए है ना वो दो इमेज रखता है, तो जिसकी इमेज खराब हो जाएगी ना तो रिलेशन को फंक्शन नहीं होगा। देखिए अब इसकी इमेज खराब हो गई, वन की दो इमेज हो गई, कहाँ वन रिलेटेड टू वन हो गया, वन रिलेटेड टू फोर हो गया। अर्थात एक परिभाषा और है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट मिलता है उसका जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। यदि संयोग से इसको लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन 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 लिखेंगे, वन फोर लिखेंगे, वन फोर लिखेंगे, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, वन 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 फोर, फिर यहाँ लिखेंगे टू फोर, फिर थ्री नाइन, फोर सिक्स, ऐसे लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट वन है, देखिए पुनरावृत्ति हो गई है, रिविजन हो गया है, तो यह जो है रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन किसे कहते हैं, कि ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट आर डोमेन है एग्जैक्टली ओनली वन इमेज बाई कोडोमेन, अर्थात ऐसे होना चाहिए। हाँ ऐसे हो सकता है, देखिए यहाँ आप डोमेन लिख दिया, समझने के लिए बता देना, ये मान लीजिए डोमेन है,
तो डोमेन का डोमेन यहाँ क्या है आपका, को डोमेन है, को डोमेन, ये डोमेन को डोमेन से रिलेटेड हुआ। डोमेन रिपोर्ट देखिए, एक इलेमेंट डोमेन का दो इमेज रखता है, इसलिए रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है। हाँ ऐसे हो सकता है कि यहाँ आपका डोमेन है जिसका एलिमेंट वन टू है और यहाँ को डोमेन इसका एक एलिमेंट मान लीजिए फाइव, ऐसे हो सकता है। देखिए ऐसे हो सकता है, यह फंक्शन है, यह फंक्शन है, यह जो रिलेशन फंक्शन को रिपीट करता है, देखिए वन का रिलेशन फाइव से है और टू का फाइव से, यह फंक्शन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंटों से संबंध रखता है, इसलिए रिलेशन फंक्शन नहीं है। यह जो रिलेशन है यह फंक्शन है, क्यों कि डोमेन का जो एलिमेंट वन है एक इमेज रखता है, दूसरा एलिमेंट तो भी एक ही इमेज रखता है, तो यह फंक्शन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। हाँ तो समझ आया। अच्छा अब आगे इस पर हम लोग हाँ स्टूडेंट, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, अर्थात ऐसा ऐसा रिलेशन जिसका डोमेन रियल नंबर हो और रेंज भी क्या हो, रियल नंबर, अर्थात रेंज जिनका डोमेन क्या हो, रियल नंबर हो और को डोमेन भी क्या हो, रियल नंबर हो, तो ऐसा जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। एग्जांपल में जैसे अब हम लिख रहा हूं लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, तो यक्स के भिन्न भिन्न मान के लिए वाई का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। एज लाइक एग्जाम्पल में जैसे अब वाई वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। तो यक्स जो है कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में, और वाई कहाँ बिलोंग करेगा, को डोमेन में। जैसे ये देखिए आपका यह डोमेन है, आयर क्या है आपका को डोमेन है, तो अब डोमेन डोमेन कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में, तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को छोड़कर दुनिया के सब नंबर जो है रियल नंबर है। हाँ तो अब हम पहला नंबर वन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, वन, यहां वन का स्क्वायर वन और प्लस वन टू, वाई की वैल्यू कितना है टू, देखिए टू भी रियल नंबर है, टू भी रियल नंबर है, देखिए ऐसे। अब अगली रियल नंबर हम यहाँ टू ले रहा हूँ, तो टू का स्क्वायर फोर प्लस फाइव, देखिए तो ऐसा रिलेशन मिल रहा है, डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है और वन एलिमेंट्स है ओनली वन इमेज इन को डोमेन। अगला थ्री लेते हैं, तो थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन कितना हुआ टेन, अगला फोर लीजिए फोर सिक्सटीन प्लस वन सेवेंटीन, तो सेवेंटीन हो गया। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि डोमेन का वन एलिमेंट है ओनली वन इज इमेज इन को डोमेन, तो डॉट डॉट इधर आल बहुत से रियल नंबर है और इधर भी सब क्या है रियल नंबर है, तो ऐसा जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और उनका ग्राफ जब हम खींचते हैं आइडेंटिटी का, देखो अच्छे ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एच हो गया, ये वाई एच हो गया, तो यक्स यक्स की वैल्यू वन, यक्स का एक खाना चले हैं तो वाई को क्या खाना टू खाना, यहाँ वन टू यहाँ यहाँ आप चले हैं, हाँ यक्स पर टू खाना यहाँ गए तो वाई को कितना फाइव खाना यहाँ गए, तो देख रहे हैं इनको ऐसे जब मिलाते हुए लाइन खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हाँ यह जो है एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है यह किसको रिप्रेजेंट करता है,
जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी फंक्शन यही था। अब हम अगला देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए अब सेकंड नंबर, अब कांस्टेंट फंक्शन में क्या है कि ए फंक्शन इज ऑफ सच दैट आर टू आर डोमेन भी रियल नंबर हो और को डोमेन भी क्या हो, रियल नंबर हो, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स हो चाहे वाई इक्वल टू, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, हाँ इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो सच टाइप था फंक्शन इज नोन एज दी कांस्टेंट फंक्शन। और आपने पढ़ा है कि इनका जब ग्राफ हम खींचा है ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है y बराबर c या नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि y बराबर k रेखा किसके समांतर होती है, x के समांतर होती है और कितना दूरी पर, k दूरी पर, पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव रहेगा तो ओरिजिन के नीचे, हाँ तो देखिए ऐसे हम यह है आपका y बराबर c, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, तो यह जो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। हाँ तीसरा नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन, क्या है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन देखिए, हाँ ये फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन, हाँ वाई इक्वल टू हाँ मॉडुलस फंक्शन लिखेंगे, ए रिलेशन या ये फंक्शन जब सच दैट आर टू आर सच दैट, हाँ सच दैट इस प्रकार की y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू या मॉड ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। इसका हम डिफाइन करते हैं ना, तो ग्राफ ऐसे मिलता है, देखिए ये जो मॉड एक्स है इनको ऐसे देखते हैं, देखिए एक्स मिलता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो वैल्यू प्राप्त होती है कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स प्राप्त होता है कब, जब एक्स लेस देन जीरो, याद रखा स्टूडेंट मॉड ऑफ एक्स जहाँ लिख दिया जाए तो समझना ही है, एक्स पहले वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब, जीरो वैल्यू प्राप्त होगी कब, जब एक्स वैल्यू जीरो होगी तब, और माइनस एक्स मिलेगी कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब। हाँ इनका ग्राफ देखिए ऐसे, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस ऐसे है, तो पहला मान देखिए फर्स्ट वैल्यू जब इधर ग्रेटर देन जीरो है लेफ्ट में, राइट में, राइट ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू, तो यस ग्रेटर देन जीरो इधर है तो उसमें वैल्यू क्या है, वाई बराबर आपका एक्स है, तो आपने पढ़ा लिखा का प्रवणता रूप क्या पढ़ा है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, यहाँ इसे जीरो है तो यहाँ एक सब्राम क्या है, यहाँ क्या है वन, एम बराबर टेन थीटा, तो एम बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर तो थीटा बराबर पाई बाई फोर, अर्थात यह रेखा वाई बराबर एक्स वह रेखा है जो कि एक्स से पाई से डायरेक्शन में मेकिंग 45 डिग्री, कितना मेकिंग 45 डिग्री इन पाई की डायरेक्शन, एंड सी इक्वल टू जीरो, और देखिए अगला ये यहाँ सी का मान क्या है, जीरो है, अर्थात ये वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं काटती है, अर्थात ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, अर्थात वाई बराबर एक्स वो लाइन होती है जो कि ओरिजिन से होके जाती है, कहाँ से होके जाती है, ओरिजिन से होके जाती है, और यहाँ देखो आप कितना एंगल बनाती है,
45 डिग्री बनाती है। दूसरी केस, अब इधर देखिए थी y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स हो गया पहले, हाँ y बराबर जीरो, y जब x बराबर जीरो यहाँ x बराबर जीरो है, y बराबर जीरो अर्थात हम ओरिजिन पर हैं, हैं कहाँ हैं ओरिजिन पर हैं। अगली वैल्यू जब y इक्वल टू निगेटिव साइन माइनस एक्स, तो इनको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस जीरो, तो पुनः जो है हाँ वाई बराबर यहाँ एक्स प्लस सी से तुलना करो, यहाँ यम यहाँ क्या है माइनस वन, यम हो गया टेन थीटा बराबर माइनस वन, तो थीटा बराबर माइनस 135 माइनस टेन के टेबल माइनस वन किसकी वैल्यू होती है 135 की होती है, टेन 135 डिग्री की वैल्यू माइनस वन होती है अर्थात, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ सी की वैल्यू जीरो है अर्थात यहाँ से यह आपने 90 डिग्री और प्लस 45 135 हो गया। अब इनको इन मिला तो एक रेखा ऐसे, हाँ तो यह जो है आपका वाई इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है और यह जो है ना 135 डिग्री इन भी बनाता है काफी राइट है। तो यह हो गया मॉडुलस फंक्शन, कौन सा फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन, कौन सा फंक्शन सिग्नम फंक्शन क्या है देखिए स्टूडेंट, सेम इसी तरह है सिग्नम फंक्शन, इसी तरह है सेम जो भी पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या है कि ये फंक्शन सच दैट आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए, हाँ हाँ सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स और दिस इज इक्वल टू वन जब x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो और जीरो जब x बराबर जीरो और माइनस वन जब x लेस देन जीरो, तो सच टाइप्स ऑफ फंक्शन इन वन है सिग्नम फंक्शन, कौन सा फंक्शन सिग्नम फंक्शन करते हैं, हाँ इनका ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे देखिए ओरिजिन यक्स सच वाई यक्स ग्रेटर देन जीरो, यक्स का मान बड़ा हो किससे एक से, हाँ तो वाई बराबर वन, वाई बराबर वन अर्थात यहाँ जो है आप खाली रहेगा इधर एक और कांस्टेंट है ना वाई बराबर वन रेखा, यहाँ वाई बराबर वन हो गया अब ओरिजिन को जीरो ही है, इधर माइनस वन क्या है माइनस, देखो वाई बराबर माइनस वन कब जब इधर गलती कर ही रहा है इधर नीचे है ना, ये वाई बराबर क्या है माइनस वन है और यहाँ यहाँ ठीक है पर वाई मान जीरो नहीं है इसलिए हम यहाँ हमारी जो रिंग होती है वो खाली होती है, ये जो रिंग खाली जो इम्पटी रिंग रिप्रेजेंट करती है ओपन इंटरवल को अर्थात यहाँ वैल्यू हम नहीं लेंगे एक्स की, यहाँ जीरो नहीं लेंगे जीरो से हट करके लेंगे लेफ्ट में, और ये जो खाली रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक्स की वैल्यू जीरो न लेंगे जीरो से राइट साइड हट कर के लेंगे, ये हो गया सिग्नम फंक्शन है। इस प्रकार तो डिफरेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है कि लास्ट में हाँ छठवां नंबर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लिखना कि फंक्शन या सच दैट आर टू आर, ये सभी ना आर टू आर ही होगा डोमेन रियल नंबर हो, कोडोमेन भी क्या होगा रियल नंबर होगा, डोमेन भी रियल नंबर होगा कोडोमेन भी रियल होगा, हाँ हाँ दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स या इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, याद रखना चाहिए बॉक्स ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं न कि बड़ा ब्रैकेट एक्स नहीं बॉक्स ऑफ एक्स, सच टाइप ऑफ फंक्शन इन्होंने दी ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन और ये डिफाइन होता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वह एक होगी या एक से छोटी होगी, दो होगी या दो से छोटी होगी, थ्री होगी या थ्री से छोटी होगी, फोर होगी या फोर से छोटी होगी, इस प्रकार का जो है
फंक्शन जो है इंटीजर फंक्शन कहलाता है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ओरिजिन एक्स एक्सिस और यहाँ जो है आपका वाई एक्सिस है। तो अभी पढ़ा गया कि एक्स की वैल्यू जो है वन होगी या वन से छोटी होगी। हाँ तो यहाँ वन, तो यहाँ देखिए ना यहाँ इंटीजर वन 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 या वन से छोटी अर्थात इधर टू होगी, टू से छोटी होगी या वन लिखे हम टू, टू होगी या टू से छोटी होगी ऐसे आप दर्शा देंगे देखो है, या वन होगी ऐसे देखिए इंटी। हाँ यहाँ लेस देन का सिंबल होगा एक। हाँ हाय फ्रेंड, अब इस एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो अभी स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। अभी बताया कि परिभाषा में कि व्हाट इज द फंक्शन, कहा था कि ये रिलेशन इन विच ईच ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली ओनली वन इमेज इन कोड डोमेन, तो दैट रिलेशन इज नोन एज द फंक्शन। और फिर दूसरी बात बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट हो अर्थात जो डोमेन हो वो रिपीट न हो तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो फंक्शन कहलाता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, देखिए 2 1 ये डोमेन है, यह 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 देख रहा हूँ कि डोमेन का जो ईच एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट यह रिपीट नहीं करता। देखिए 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है और 17 है, इसलिए फंक्शन है। यदि दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए हाँ यह जो है आपका फंक्शन है, यह डोमेन है, देखिए 2 का किससे है 1 से रिलेशन है, 5 का 5 का 1 से है, 8 का भी किससे है 1 से है, 11 का भी किससे है 1 से है और 14 का भी किससे है 1 से ही है और 17 का भी किससे है 1 से। हमने पढ़ा था कि डोमेन है या क्या है आपका डोमेन है या क्या है आपका रेंज कहिए चाहे को डोमेन कहिए, हाँ को डोमेन रेंज तो है 1 होंगे। यहाँ पूछा जाए कि डोमेन, हाँ देखिए ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है ये ओनली वन इमेज इन को डोमेन, हमने बढ़ाया था कि डोमेन का एक एलिमेंट कई इमेज रख सकता है लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन में कई इमेज नहीं रख सकता, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा फंक्शन होगा, यह फंक्शन है, यह क्या है फंक्शन है। और इसमें डोमेन लिखना है तो डोमेन लिख दीजिए, हाँ 2 बोलिए 5 फिर 8 इसके बाद 11 फिर 14 फिर 17 डोमेन हो गया। और रेंज बोलिए किससे इसकी में 1 से, हाँ स्टूडेंट पहला हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखिए, देखिए 2 रिलेटेड टू 1 अरे हाँ 2 रिलेटेड टू 1 4 रिलेटेड टू 2 6 रिलेटेड टू 3 8 रिलेटेड टू 4 10 रिलेटेड टू 5 और 12 रिलेटेड टू 6 और 14 रिलेटेड टू 7 अर्थात देखिए 2 4 6 8 10 12 एंड 14 तो देखा गया कि ईच एलिमेंट्स डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डोमेन हैज ओनली वन इमेज इन अ कोडोमेन, ये अभी फंक्शन है। और इसमें देखिए 1 3
थर्ड वाले स्टूडेंट देखिए ये फंक्शन है आप एक देना कि ईच एलिमेंट साफ डोमेन है एग्जैक्टली ओनली वन इमेज इन फोर डोमेन सो इट इज ए फंक्शन। और थर्ड में देखिए वन रिलेटेड टू थ्री और वन रिलेटेड देखिए यहाँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला एलिमेंट है डोमेन का रिपीट कर गया देखिए यहाँ भी वन है यहाँ भी वन हो गया। तो एक एलिमेंट दो इमेज रखता है पांच से भी रखता है और तीन से भी रखता है इसलिए फंक्शन यह नहीं है। दिखाना हो थर्ड को ऐसे दिखा सकते हैं देखिए वन का रिलेशन किससे है थ्री से है और वन का किससे हो गया फाइव से हो गया और टू का किससे है फाइव से। तो देखिए वो यहाँ एलिमेंट वन जो है दो इमेज रखता है थ्री और फाइव इसलिए जो है फंक्शन नहीं है। और स्टूडेंट क्वेश्चन सब आगे कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू।